प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद श्रम विभाग में लागू मिनी माता कन्या विवाह योजना बंद कर दी गई है। साल 2012 में योजना शुरू होने के बाद अब तक महासमुंद जिले के 8735 परिवारों को इसका लाभ मिला, तो वहीं 2500 आवेदन विभाग में अभी भी लंबित हैं। शुरुआत में इसका नाम विद्या राज्य कन्या विवाह योजना था, जिसे 15,000 रूपये दिए जाते थे। बंद होने के पूर्व नाम बदला और राशि बढ़ाकर 20,000 कर दी गई। विभाग के आला अधिकारी योजना का लाभ दूसरे विभाग से मिलने का कारण श्रम विभाग से इसके बंद होने की बात कर रहे हैं, तो वही योजना के बंद होने से महासमुंद जिले के 1,32,000 श्रमिक परिवार प्रभावित हैं। विभाग की योजना कई विभागों में चल रही है, वन विभाग में चल रही है, श्रम विभाग में चल रही है, समाज कल्याण विभाग में चल रही है, तो हर विभाग से आदमी, गरीब आदमी लाभ उठाता है। इसलिए देखा जाए तो बंद करने के पीछे रीजन ये था कि महिला बाल विकास के अंतर्गत भी एक विवाह योजना है, जिसमें 15,000 से बढ़ाकर 25,000 किया गया था, तो युक्तिकरण करने की दिशा में ही ये प्रयास हुआ है, ताकि एक ही शादी के लिए दो दो बार उसको लाभ न मिले। चलिए बड़ी खबर।